मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वामी आत्मानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं संस्कृत में स्पीच देना चाहता हूँ। यत्र जीव तत्र शिव इति समत्रस्य साधकः त्यागमूर्तिश्च स्वामी आत्मानंदः सदैव जनना कल्याणार्थ समर्पित आसीत् सः स ईदृशः संतः आसीत् यत् यस्य ध्येयवाक्यं सर्वत्र प्रशंसितम् आसीत् यथा परुगुण परुगुण पर्वतीकृत्य नित्यं निज हृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तं तस्य पितुः नाम धनीराम मातुः नाम भाग्यदेवी भाग्यवती च आसीत् धर्मपरायण आसतां स्वामी आत्मानंद जन्म 6 अक्टूबर 1929 तमे ख्रीस्ताब्दे अभवत। स्वामी आत्मानंदस्य बालकस्य नाम तुलेन्द्र आसीत् सः 27 अगस्त 1979 तमे ख्रीस्ताब्दे निवाडं प्रायः ब्रालिनश्च अभवत्। तस्य लक्ष्मासितः न तिव्यः कमाये राज्य न च स्वर्ग नापुन भर्वं कामाये दुःख तप्तानां प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज कुसुम श्रीवास। आई स्टडी इन क्लास 4। माय स्कूल नेम इज स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ on Swami Atmanand ji. Swami Atmanand ji was known as Tulendra Varma in the village Parbanda near Raipur. In 1929 he was a bright student from his childhood. Swami Atmanand was a society farmer and an educationalist. He established ashram and library in Raipur. He was interested in sport as well. Atmanand ji Maharaj was an established humorous and fun loving person. Thank you. प्रभात, मेरा नाम कुशल कुमार चौरासी है। मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता हूँ। आज हम जिनका जन्मदिन मना रहे हैं स्वामी आत्मानंद जी के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। स्वामी आत्मानंद जी का जन्म रायपुर जिले के बरबंदा गांव में 6 अक्टूबर 1929 को हुआ था। स्वामी आत्मानंद जी का वास्तविक बचपन का नाम तुलेंद्र था। स्वामी आत्मानंद के पिता धनी राम वर्मा बास मंडल स्कूल में शिक्षक थे। तुलेंद्र ने सेंट पाल स्कूल में प्रथम श्रेणी में हुई स्कूल की परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिए संध्या कॉलेज नागपुर चले गए। भारत की आज़ादी के बाद तुलेंद्र रामकृष्ण मिशन से जुड़ गए। रामकृष्ण मिशन में महाध्यक्ष स्वामी शंकर नंद ने तुलेंद्र प्रतिभा से प्रभावित होकर ब्रह्माचार्य में दीक्षित किया और उन्हें नया नाम दिया स्वामी तेज चंद। धन्यवाद।